Hello, students. Today we are going to continue chapter number 9 of science, and that is light. And this is with number 2. So, before starting our new topic, we should go through a quick review. So, we have till now studied about light, the reflection of light, law of reflection, and image formation in plane mirror. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेरिकल मिरर तो देखिएगा हम अभी तक काफ़ी चीज़ें लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं और इवन जो आपके प्लेन मिररर्स हैं उसके बारे में पढ़ा कि उसमें किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है वगैरह अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिररस के बारे में तो अब मिररर विद करेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर तो देखिएगा ऐसा कोई भी मिररर जिसका सरफेस कैसा हो थोड़ा सा कर्ड हो ठीक है यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस थोड़ा सा कर्ड हो यानी कि वक्राकार का हो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं साइज ऑफ शेप ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस और स्फेरिकल मिरर भी एक ही तरह के नहीं होते अब इनका भी साइज और शेप जो है वो अलग अलग तरह का हो सकता है यानी उनका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होगा जैसा होगा वैसे ही साइज वैसे ही शेप की इमेज फॉर्म होगी यानी कि स्पेरिकल मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं एक आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं दूसरे होते हैं कॉनकेव मिरर तो दोनों ही तरह के जो मिरर्स में जो इमेजेस बनती हैं वो अलग अलग तरह की बनती हैं तो यानी कहने की बात यह है कि रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा होगा वैसा ही साइज और वैसे ही शेप की इमेज बनेगी वैसा प्रतिबिंब बनेगा जनरली बैक साइड ऑफ मिरर इज कोटेड विथ सिल्वर और एल्यूमिनियम बट फ्रंट कोटेड मिरर आर ऑल्सो अवेलेबल तो देखिएगा आमतौर पे तो क्या होता है कि जो भी आपके मिरर्स होते हैं उनको बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मिरर्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है जो परत चढ़ाई जाती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की वो पीछे से चढ़ाई जाए ठीक बट फ्रंट कोटेड मिरर्स आर ऑल्सो अवेलेबल लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे से ही सिल्वर की या एल्यूमिनियम की कोटिंग करनी है आगे से भी की जा सकती है ठीक देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं पहला है कॉन्वेक्स मिरर तो व्हेन रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज आउटसाइड द स्वेयर इज कॉल्ड कॉन्वैक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो देखिएगा अगर आपका रिफ्लेक्टिव सर्फेस जो है वो बाहर की ओर है यानी कि कोटिंग जो की गई है एल्यूमिनियम की या सिल्वर की वो अंदर की ओर की गई है तो वो कॉन्वैक्स मिरर होगा वहीं पे हम बात करें कॉनकेव मिरर की व्हेन रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज इनसाइड द स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर यानी कि ऐसा मिरर जिसके आउटर सरफेस पे यानी कि जो बाहर की सरफेस पे कोटिंग की जाए जिसके परिणाम स्वरूप अंदर वाला जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह काम करे तो इस तरह का जो मिरर होता है वो कौन के मिरर कहलाता है देखिए अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दिखने में इस तरीके से होता है जिसका आउटर जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है और जो इनर सरफेस होती है वो कोटेड होती है और उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो पोल कहलाता है अब आगे बात करें तो देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस है ये वो लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम मानते हैं कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है उसे हम बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बहुत तो सारी अलग अलग तरह की लाइट रेज होती हैं इनमें से कुछ लाइट रेज जो होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के बैरल आती है तो जो लाइट रेस पैरल आती हैं वो आकर के आपके मिरर से टकराएंगे और टकरा करके वो डाइवर्ज हो जाएंगे यानी कि दूसरी दिशा में मुड़ जाएंगी तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ये यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर ये जो एफ़ और सी है वो क्या है जो सी है बेसिकली जो स्फीयर था हमारा जो मिरर है वो जो स्पेयर से बना था उस स्फेयर का सेंटर है ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेसिकली रेडियस है स्फीयर की जो हमारा मिरर है उसका रेडियस है ठीक है क्योंकि वो बेसिकली पार्ट किसका था एक स्फीयर का था एक गोले का पार्ट था तो उसकी क्या होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी तो ये सेंटर है और ये फोकस होता है तो फोकस जो होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है यानी कि मिड पॉइंट होता है तो बेसिकली ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है अब जैसे बात की जाए कि लाइट रेस जो आई वो आकर के टकरा करके इस तरफ मुड़ गई अब जैसे ये भी है जो लाइट रेन जो आपकी ब्लू और ग्रीन कलर में दिखाई गई है ये लाइट रेस हैं जो कि लगातार आ रही है और मिरर से टकरा करके दूसरी दिशा में डाइवर्ज हुए जा रही है तो देखिएगा किसी भी मिरर के द्वारा इमेज बनाने के लिए उसमें लाइट रेज का आपस में टकराना जरूरी है तो अगर आपन देखें यहाँ तो ये दोनों पैरल हैं ये दोनों लाइट रेज और यहाँ से ये इस तरफ निकल रहा है ये उस तरफ निकल रहा है यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये कभी भी एक दूसरे से टच होने वाले नहीं है और टच नहीं होंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होंगी तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है इन्हीं लाइट ट्रेस को पीछे की ओर प्रोजेक्ट करना पड़ता है तो ये जो लाइट रे ऊपर की ओर जा रही थी इसको हमने पीछे की ओर खींच लिया और ये भी इस तरफ जा रही थी इसको नीचे इस तरफ खींच लिया तो जब हम इस तरीके से इसको इस तरफ पीछे की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह की जो रेज होती है प्रोजेक्टिव रेज होती है ठीक है तो ये वास्तव में लाइट रेज एक दूसरे को नहीं काट रही होती है लेकिन हम मानते हैं कि लाइट रेज जो है वो पीछे की ओर से यानी कि ये जो आपकी लाइट रेज जो है डाइवर्ज हो रही है टकरा करके बाहर की ओर निकल रही है हम यानी कि देखें फोकस के हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे फोकस से निकल करके बाहर की ओर जा रही है तो ये जो प्रोजेक्टेड रेज होती हैं ये बेसिकली हमेशा फोकस पे ही मिलेंगी ठीक यानी कि जो इमेज बनेगा वो हमेशा आपके फोकस पे ही बनेगा तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। कि किसी भी जो स्फेरिकल मिरर है अब ये देखिए हमारे पास फिलहाल कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर की जगह अगर कॉनकेव मिरर भी होता तो उसका भी एक पोल होता अब ये जो पोल है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन या इसमें से होकर के गुजरने वाली जो लाइन होती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं फिर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो अ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ स्वेयर सो देंटर ऑफ स्वेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर तो जैसा कि कह रहा है कि कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फेयर यानी गोले का ही हिस्सा होता है अब चूंकि हर गोले का एक सेंटर होता है तो इस वजह से वो सेंटर ही के स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा जिसे हम सी से डिनोट करते हैं तो पोल बेसिकली क्या है सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर विच इज डिनोटेड बाय ओ तो जो आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसका जो मिड पार्ट होता है उसे ही हम पोल बोलते हैं और इसे हम ओ से डिनोट करते हैं अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर की तो देखिएगा कॉनकेव मिरर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देखें इनर जो सरफेस है इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर का जो सरफेस है बेसिकली कोटेड है ठीक है तो यहाँ पे जब भी लाइट रे आएगी टकराएगी और टकरा के अंदर की ओर कन्वर्ज हो जाएगी तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है तो इसमें भी प्रिंसिपल एक्सेस वही है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरे ठीक और इंस्टेंट रे लाइट रे आई और टकरा करके निकल गई यानी कि टकरा करके निकली तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई ठीक तो अब बात करते हैं फोकस की तो फोकस बेसिकली क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को कहते हैं तो एक्चुअल में ये वो पॉइंट होता है जहां पे लाइट जो है कन्वर्ज होकर के या डाइवर्ज होकर के उस पॉइंट से होकर के गुजरती है द पॉइंट वेयर पैरेलल लाइट रे कन्वर्जेस और द पॉइंट वेयर पैरल लाइट रे सीम्स टू डाइवर्ट फ्राम इज कॉल्ड फोकस विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर एफ तो देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे जो है आकर के कन्वर्ज होती है यानी कि एक बिंदु से होकर के जा रही है ये देखो ये भी एक लाइट इंसिडेंट रे है जो आकर के यूं गई और ये भी एक इंसिडेंट रे जो आकर के यूं गई तो ये जितनी भी आपकी इंसिडेंट रे होंगी वो एक फिक्स पॉइंट से होकर के गुजरेंगी जिसे हम बेसिकली फोकस कहते हैं तो जब कन्वर्जिंग के केस में क्या होता है आपके मिरर से आ, लेफ्ट साइड की ओर जो है आपका फोकस देखने को मिलेगा वहीं पे हम बात करें आपके कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है लाइट रे आएगी आकर के टकरा करके इस तरफ यू एंगल बना करके निकल जाना था रिफ्लेक्ट बैक हो जाना था ठीक तो बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे नहीं है प्रोजेक्टेड रे है ठीक है तो लाइट रे एक्चुअल में यूँ निकलनी थी टकरा करके यानी डाइवर्ज हो जाती तो जब हम उसको आगे की ओर बढ़ाते प्रोजेक्ट करते तो वो फोकस से होकर के गुजरता तो यानी कि डाइवर्ज होते टाइम हमें प्रतीत होता है कि ये फोकस से लाइट रे जो है वो निकल करके जा रही है ठीक तो इसको हम फोकस कहते हैं तो कॉनवेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो राइट हैंड साइड में होता है जबकि आपके कॉनकेव मिरर के केस में लेफ्ट हैंड साइड में होता है अब बात करते हैं फोकस पॉइंट लाई बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की फोकस जो होता है वो आप हमेशा आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस से पोल तक की दूरी और फोकस से सेंटर तक की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है वो हमेशा बराबर होती है अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑन मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाई आर तो सेंटर से इस पूरे मिरर पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लें वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी कि एक तरीके से आप यूँ कह सकते हो प्रिंसिपल आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पोल की जो दूरी होती है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है अब वो एक्चुअल इधर पोल ना लेकर के हम यहाँ पर भी अगर लेते हैं तो देखिए रेडियस रेडियस ही रहता है ना तो ये इक्वल ही रहने वाला है तो किस आपके मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई भी पॉइंट लें उस पॉइंट से सेंटर की दूरी देखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और हम कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं अब आगे बात करते हैं कार्टेशियन साइन की कन्वेंशन की तो ये देखिएगा बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं पूरी तरीके से इसके ऊपर बेस्ड हैं और रे डायग्राम भी जो है आपको समझने होंगे तो आपको रे डायग्राम जब याद रहेंगे उस हिसाब से हम बता सकेंगे कि एक्चुअल में किस कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है या इमेज है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा या नेगेटिव लिखा जाएगा तो देखिएगा ये आपका मिरर हो गया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो याद रखिएगा जब भी आपका कोई सा भी मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा यानी कि इससे इस, इस तरफ जो भी दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव लिखी जाएगी यानी कि माइनस में लिखोगे आप डिस्टेंस को वहीं पे राइट साइड की तरफ चाहे कोई सा ही मिरर हो उसके राइट साइड की तरफ आप जाओगे तो वो जो दूरी है वो हमेशा आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ऐसे ही हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर का जो भी हाइट होगा यानी ऑब्जेक्ट की हाइट हो या इमेज की हाइट हो दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगी पॉजिटिव कब होंगी जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर हो यानी कि नीचे की ओर होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा तो कोई भी हाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर होगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर से लेफ्ट साइड जो भी दूरी होगी नेगेटिव लेंगे जो भी मिरर से राइट right साइड की ओर होगा पॉजिटिव लेंगे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर हाइट होगी उसे पॉजिटिव लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो हाइट होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे ऑल डिस्टेंसिस विच आर पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल तो कोई भी जो डिस्टेंस है जो कि कैलकुलेट करेंगे या समझेंगे वो हमेशा पोल से कंसिडर करेंगे यानी पोल के माध्यम से यानी पोल से लेफ्ट में पड़ रहा, right रहा है या पोल से राइट में पड़ रहा है या पोल से ऊपर पड़ रहा है या पोल से नीचे की ओर पड़ रहा है इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम डिस्टेंस जो है उसको मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज placed लेफ्ट साइड ऑफ द mirror. दैट means इंसिडेंट रे ऑलवेज travel from लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन नेगेटिव तो देखिएगा इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट होगा यानी कि जिस चीज़ का भी प्रतिबिंब बनेगा यानी जिस चीज को आप रख रहे हैं जिसका इमेज आपको चाहिए वो हमेशा आपके मिरर हो या लेंस हो कुछ भी हो उसके लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा अब चूंकि लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है नेगेटिव ली जाती है तो इस वजह से वो हमेशा नेगेटिव ही दिखाओगे हमेशा हर केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी लेकिन इमेज की डिपेंड करती है कि इमेज कहाँ बन रही है तो ऑब्जेक्ट के केस में हम कह सकते हैं कि जब भी को भी इसके डिस्टेंस की बात होगी हम उसको नेगेटिव ही माइनस में ही लिखेंगे

तो कोई भी जो चीज़ की ऊंचाई है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगी और नीचे की ओर होगी तो नेगेटिव होगी तो ये आपका कार्टिशियन साइन कन्वेंशन है इसको याद रखिएगा इसी से ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स एक भी सही करके नहीं दिखा पाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा और याद करिएगा प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ इन अ स्फेरिकल मिरर विद स्मॉल अप्रेचर तो देखिएगा स्मॉल अपर्चर वाला यानी कि छोटा जो बहुत ही छोटा आपका स्फेरिकल मिरर है उसको कंसिडर करते हुए हमें बताना है कि एक्चुअल में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ से हमेशा डबल होता है तो देखिएगा ये आपका मिरर आ चुका है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ये फोकस हो गया फोकस से आपके पोल की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी पॉल की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं तो हमें अभी फिलहाल ये बताना है कि जो सी ओ है वो टू एफ ओ के बराबर है यानी कि इस दूरी से ये दूरी जो है वो डबल है तो इसके लिए हम छोटे एपरेचर वाला एक मिरर लेंगे तो देखिएगा ये इंसिडेंट रे आई टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई ये हम छोटा एम्परेचर मान रहे हैं तो हम इस पॉइंट को यहाँ से इसको एकदम सीधी रेखा मानेंगे तो यहाँ से जो नॉर्मल निकल के जाएगा उस नॉर्मल की वजह से ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है इनको ये दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करेगा तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बराबर रहेंगे तो देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन तो ये तो हमें पता ही है कि देखिए लॉ ऑफ लाइट से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है यानी कि एंगल आई बराबर है एंगल ऑफ आर के तो एंगल आई को हम आर पी सी लिख सकते हैं भाई एंगल आई लिख लें या आर पी सी लिख लें बात तो एक ही है ऐसे ही जो एंगल आर है उसको हम क्यू पी सी लिख सकते हैं ठीक तो मैंने एंगल आर की जगह क्यू पी सी लिखा और एंगल आई की जगह आर पी सी लिखा अब देखिएगा क्यू पी सी जो है यानि कि ये जो आपका क्यू पी सी एंगल है वो बेसिकली आपके पी सी एफ के बराबर है ठीक यानी कि ये एंगल इसके बराबर है उसके पीछे रीजन क्या है बताता देखिएगा ये एक पैरेलल इंसिडेंट uh, रे पैरेलल है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो इंसिडेंट रे और ये पैरेलल है और अगर हम इस लाइन को देखें तो दो पैलर लाइन को तो काटने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल कहते हैं तो देखिएगा एंगल आई जो है बेसिकली आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा क्यों क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल होगा तो आपका जो क्यू पी सी है वो आपके बेसिकली पी सी एफ के बराबर होगा तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो देखिएगा क्यू पी सी आर पी सी के बराबर है और क्यू पी सी पी के भी बराबर है तो यानी कि आर और पी ये दोनों बराबर होंगे तो तीनों ये तीनों ही एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे यानी ये ये और ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हम ट्राइंगल की बात करें पी की पी यानी कि ये जो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात हो रही है तो इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हमें पता है कि पी जो एंगल है वो बराबर है और अगर हम बात करें क्यू क्यू को हम एफ भी लिख सकते हैं ना क्योंकि क्यू का ही पार्ट है एफ भी यानी हम एक तो यू ले, ले लें पूरा एंगल और एक है यहाँ से ले लूँ तो बात तो तब भी आ, एंगल आर की ही हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आपका ये एंगल और ये एंगल यानी कि पी और एफ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे हमारे इस वाले इक्वेशन से आया है ठीक है ये तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई सी जो होगा वो पी के बराबर होगा क्यों क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं देखिएगा कोई भी ट्रायंगल जिसके दो दो एंगल्स इक्वल होंगे वो कैसा होगा आईसोसेल ट्रायंगल होगा तो आईसोसेल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है उसके अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उन एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड है यानी कि इस एंगल के ऑपोजिट आपका पी एफ है और इस एंगल के ऑपोजिट सी एफ है ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे ये एक प्रॉपर्टी है आईस ट्रायंगल की तो इस तरीके से सी एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर हो गया इन केस ऑफ मिरर विद स्मॉल अपर्चर तो देखिए हम इसको ऑलरेडी ही हम मान के चल रहे थे कि ये जो आपका मिरर है वो बेहद छोटा है ठीक है उसका साइज बेहद छोटा है तो ऐसा छोटा होगा तो पी और ओ में ज़्यादा दूरी होगी नहीं यानी कि पी एफ और एफ ओ ये एक दूसरे के लगभग बराबर ही होंगे यानी कि स्मॉल अपर्चर होगा यानी कि ये जो हम चीज़ है ये जो डिस्टेंस है ये ना के बराबर होगा आपस में ठीक तो ये तो हम एक्चुअल में मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि हम समझ सकें लेकिन एक्चुअल में जब स्मॉल अपर्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दूरी नाक के बराबर है यानी कि लगभग ये जो पॉइंट पी है वो ओपर ही है लगभग लगभग तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो आपका पी एफ दूरी है वो दूरी एफ ओ के बराबर ही होगी क्योंकि ये दूरी और ये दूरी ऐसे इतनी दूरी पर नहीं है लगभग लग पास पास ही है तो अब हम कह सकते हैं भैया है जब पी एफ सी एफ एफ ओ के बराबर है यानी कि पी एफ जो है वो एफ ओ के बराबर है और हमें पता है पी एफ सी एफ के बराबर है सी तो एफ और एफ ओ ये दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक ये रहा आपका सी एफ पी एफ के बराबर है सी एफ पी एफ के बराबर है और यहाँ पे हमने बताया कि पी एफ एफ ओ के बराबर है तो पी एफ सी एफ के भी बराबर है पी एफ एफ ओ के भी बराबर है यानी कि सी एफ और एफ ओ भी आपस में बराबर इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करोगे तो आप तो इससे हमें क्या पता लगा कि सी एफ जो है एफ ओ के बराबर है हम बात करते हैं सी ओ की तो ये जो सी ओ साइड है उसको हम सी एफ प्लस एफ ओ लिख सकते हैं सी ओ यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम सी ओ लिख सकते हैं और सी को हम सी एफ प्लस एफ ओ लिख सकते हैं तो मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया अब हमको पता है सी एफ बराबर एफ ओ के बराबर है तो मैं क्या करूंगा सी एफ को एफ ओ से रिप्लेस कर दूंगा तो ये एफ ओ प्लस एफ ओ हो गया तो सी ओ इज इकल टू टू एफ ओ तो आपका सी ओ जो है वो टू एफ ओ यानी इसके दुगने के बराबर है तो साफ साफ पता लग रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ के दुगने के बराबर थे तो हम कह सकते हैं आर इक्वल है टू एफ के और हमें यही प्रूव करना था तो देखिएगा ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं वैसे पूछे तो बहुत रेयरली जाते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं और आ गया तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा वैसे बहुत ईजी है सो इट इज़ इनफ फॉर टूडेज वीडियो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय